उधर बीजेपी ने उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल और पंजाब उपचुनाव के लिए सूची जारी की है। उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की है बीजेपी ने। पश्चिम बंगाल और पंजाब में जो उपचुनाव होने हैं उसके लिए सूची जारी की है। बीजेपी ने पंजाब के लिए एक उम्मीदवार का ऐलान किया। पश्चिम बंगाल उपचुनाव के लिए 4 उम्मीदवार मैदान में उतारे। तो कई मायनों में उपचुनाव भी बेहद अहम हो जाता है। जब कॉन्स्टिट्यूएंसी खाली होती है उसके बाद सीट खाली होती है और उसके बाद उपचुनाव की जो प्रक्रिया है संवैधानिक प्रक्रिया उसका पालन किया जाता है। और अब बंगाल और पंजाब दो बेहद ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी के लिए चुनौती बड़ी पेश आने वाली है। प्रदीप कुमार एसोसिएट एडिटर टोटल न्यूज के हमारे साथ बने हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। प्रदीप जी, उपचुनाव के लिए सूची जारी की है बीजेपी ने, खासकर दो ऐसे सूबों को चुना है जो कहीं ना कहीं हर बार हर चुनाव में हमने देखा कि चुनौती पेश करते नजर आते हैं। इस बार कितनी तैयारी उपचुनाव के माध्यम से बीजेपी कितनी तैयार? देखिए बिल्कुल सौरभ, लोकसभा चुनाव के संपन्न होने के बाद अब कई राज्यों में उपचुनाव होने हैं। विधानसभा उपचुनाव का ये जो रिजल्ट है उन राज्यों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा जहां पर चुनावी बिगुल बजा हुआ है, और इसलिए इन राज्यों में अलग अलग राज्यों में जो है उम्मीदवारों के नामों का ऐलान यहाँ पर पार्टियों ने किया है। बीजेपी ने भी यहाँ पर पश्चिम बंगाल की 4 विधानसभा सीटों के लिए जो चुनाव हो रहा है उसके लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा जो हम देख रहे हैं जालंधर सीट, पश्चिम जो सीट है पंजाब की, वहां पर भी उपचुनाव होना है, वहां पर भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान बीजेपी ने किया है। तो ये काफी महत्वपूर्ण मुकाबला रहेगा क्योंकि पश्चिम बंगाल की रायगंज विधानसभा सीट से मानस कुमार घोष को उम्मीदवार बनाया गया है। रानाघाट दक्षिण से मनोज कुमार विश्वास को टिकट दिया गया है। बगदा सीट से विनय कुमार विश्वास और मानिक तला विधानसभा सीट से कल्याण चौबे को उम्मीदवार बीजेपी ने बनाया है। इसके अलावा जालंधर पश्चिम सीट से शीतल अंगूराल को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा हिमाचल उत्तराखंड की दो दो सीटों पर कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। कांग्रेस ने हिमाचल की हमीरपुर विधानसभा उपचुनाव में डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा को टिकट दिया है। नालागढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए हरदीप सिंह बाबा को चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि उत्तराखंड की बद्रीनाथ विधानसभा सीट में होने वाले उपचुनाव के लिए लखपत बुटोले को उम्मीदवार बनाया गया है। उत्तराखंड की मंगलोर विधानसभा सीट के लिए कांग्रेस ने काजी निजामुद्दीन को टिकट दिया है। तो एक बड़ा मुकाबला हम देखेंगे, जबकि जालंधर जो पंजाब की सीट है जालंधर पश्चिम विधानसभा उपचुनाव होना है, उसके लिए आम आदमी पार्टी ने मोहिंदर भगत को भी उम्मीदवार बनाया है। तो यहाँ पर एक त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। जी बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।